इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पूर्व विधायक का शर्मनाक फोटो वायरल हो रहा है। यहां सपा के पूर्व विधायक अनिल कुमार को नहीं पता है कि राष्ट्रध्वज सीधा है या उल्टा है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर सपा नेता ने उल्टा तिरंगा फहरा दिया। सपा नेता अनिल कुमार अपने पेट्रोल पंप पर कर रहे थे ध्वजारोहण। NH-58 छपार का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता बिलाल अख्तर जुड़ चुके हैं। बिलाल, एक तरफ मुरादाबाद की वीडियो वायरल होती है जिसमें एक सांसद राष्ट्रगान भूल जाते हैं, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उल्टा ध्वजारोहण किया जाता है, वो भी सपा नेता के द्वारा। सपा नेता यहाँ पर भी है, सपा नेता मुरादाबाद में भी है। क्या जो सपा नेता है उनको नहीं मालूम कि राष्ट्रगान क्या है? उनको नहीं मालूम कि ध्वजारोहण जो है वो सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामला 15 अगस्त का है, जहाँ 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। इसी बीच मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो राष्ट्रीय गान गाते समय बीच में ही भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े शर्म की बात है कि सांसद राष्ट्रीय गान ही भूल जाते हैं। इसमें एक दूसरा वीडियो वायरल मुजफ्फरनगर से हो रहा है, उसमें पूर्व विधायक सपा नेता अनिल कुमार है, जिसमें देखा जा सकता है वो एक पेट्रोल पंप पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडा फहरा रहे हैं। लेकिन झंडा ध्वजारोहण करने के बाद जैसे ही वीडियो वायरल होती है उसमें दिखाई देता है कि झंडा उल्टा लगा हुआ है। तो ये एक बड़े शर्म की बात है कि सांसद और विधायक एक तरफ तिरंगे का अपमान, एक तरफ राष्ट्रगान का अपमान। आपको राष्ट्रगान नहीं मालूम है, आप सांसद हैं, एक विधायक हैं, उन्हें नहीं मालूम कि हमारा जो तिरंगा है वो सीधा है कि उल्टा है? आखिर ये क्या चल रहा है और ऐसे लोगों को नेता आखिर कौन चुनता है? जी बड़े शर्म की बात है सर, ऐसे ही दिखाई दिया। ये वीडियो भी दोनों ही मामले हैं और दोनों ही सपा नेता है, दोनों ही सपा नेता। अच्छा, इनसे आपकी बात हुई, कोई आपने संपर्क करने की कोशिश की, इनका क्या कहना है या फिर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए और संपर्क नहीं हो पाया। हमने फोनों पे भी लेने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, संपर्क नहीं हो पाया। धन्यवाद बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, एक वीडियो हमने आपको कल दिखाई थी जिसमें एक जो सपा नेता है वो मुरादाबाद के हैं एसटी हसन, वो राष्ट्रगान भूल जाते हैं। वहीं एक वीडियो आज वायरल हो रही है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो ध्वजारोहण किया गया वो जो तिरंगा है वो उल्टा है। सपा नेता, एक सपा नेता को राष्ट्रगान नहीं मालूम, एक सपा नेता को ये नहीं मालूम कि तिरंगा सीधा है या उल्टा है।